नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू दी एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉपिक विद टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 1-5। एंड प्लीज नोट डाउन, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ये समझ लीजिए एज आई डिस्कस विद यू कि जैसे अगर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक कर रहे हूँ सीपीसी के, तो टेम्परेरी इंजंक्शन शुड बी वन ऑफ दोज 5 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देयर फॉर यू विल हैव टू डू इट वेरी वेरी थोरोली। यू विल हैव टू रीड द बेयर एक्ट, यू विल हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक एज वेल, एंड यू विल हैव टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यू विल हैव टू गो टू द प्रीवियस ईयर्स मेन्स क्वेश्चंस, तब जा करके एक होलिस्टिक व्यू में जा करके आपको टेम्परेरी इंजंक्शन का टॉपिक समझ में आएगा। एंड दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू हार्ट टू द DGS और हरियाणा। ऐसे टॉपिक्स जहां पर क्यों, व्हाई? सी, जैसे इन CRPs, इन क्रिमिनल क्रिमिनल साइड, जो 4 मोस्ट तत्कालिक जो रिलीफ चाहिए होता है क्लाइंट को, क्लाइंट मीन्स एक्यूज को, वो क्या चाहिए होता है? दैट इज वॉन्ट बेल, कि पहले किसी तरीके से बेल मिल जाए। सेम थिंग इन सिविल साइड, प्लेंटिफ का या पार्टी का ये होता है कि बस एनी हाउ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड गेट द स्टे इन कॉमन पैरेलेंस, इन टेक्निकल कह लीजिए इंजंक्शन मिल जाए, टेम्परेरी इंजंक्शन मिल जाए, सो दैट जो मेरा पॉसिबल लॉस है वो होना बच जाए, वहीं के वहीं हो जाए। तो सिविल साइड में दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट रिलीफ विच इज सॉट बाय द एडवोकेट्स, एंड लाइक इन क्रिमिनल साइड इट इज द बेल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड ऑल्सो बिकॉज वी आर डीलिंग विद वॉट, टेम्परेरी इंजंक्शंस। द सेम टॉपिक इंजंक्शंस, दैट इज द परमानेंट इंजंक्शन इज डेल्ट बाय द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो समटाइम्स यू गेट कन्फ्यूज ऑल्सो, सो वी हैव टू, जब सिविल केसेस, सिविल लॉ में क्वेश्चन आते हैं, वेदर इन DGS और इन हरियाणा और इन पंजाब या MP HGS, गुजरात HGS में, तो मिक्स आते हैं यहाँ पर वो, कि टेम्परेरी इंजंक्शन मांगा है, परमानेंट इंजंक्शन, विच यहाँ पर SRA अप्लाई करें, यहाँ पर CPC अप्लाई करें, कौन से प्रोविजंस को अप्लाई करें। तो इसलिए इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल थोरो अंडरस्टैंडिंग, सेकंड, और इनको इतना जबरदस्त तरीके से याद रहना आपको विद क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि जैसे 2 का पहाड़ा याद करते हैं हम लोग, तब कहीं जा करके आप जुडिशरी के एग्जाम में इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं आपको एक एक पक्ष से, एक एक टेक्निकल बात से आपको रूबरू करा दूँ, समझा दूंगा। नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं इसमें, ठीक है, लेकिन उसके बाद
ये मान लीजिए आपको डेली जब क्लास में यहाँ पर आएंगे पहला काम ही आपका यह है कंसेंट 10 टाइम्स 10 डेज इन ए रो आपको डेली लिखना ही लिखना है टेम्परेरी इंजंक्शन वाला क्वेश्चन बिना पूछे मुझसे। ठीक है सर, बढ़े आगे। तो प्लीज दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। टेम्परेरी इंजंक्शंस के जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ पर हैं? ऑर्डर 39 रूल्स 1 to 5 में। दिस इज फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन दिस चैप्टर। वी आर गोइंग टू डील विद द मीनिंग मीनिंग ऑफ द टेम्परेरी इंजंक्शन। इंजंक्शन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं इंजंक्शन एंड देन हु में अप्लाई। प्लेंटिफ अप्लाई कर सकता है, डिफेंडेंट अप्लाई कर सकता है, अगेंस्ट होम इंजंक्शंस में भी इशूड। ओके एंड देन व्हाट आर द ग्राउंड्स, कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जिन पर इंजंक्शन कैन बी इशूड। तो वी आर गोइंग टू डील इन दिस कमिंग चैप्टर ऑन दीज टॉपिक्स अलॉन्ग विद अदर टॉपिक्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल्स, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर दिस एक्सरसाइजिंग द ड्यूरिज जिस दिस ज्यूरिसडिक्शन बाय द कोर्ट, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को कोर्ट फॉलो करेगी कि स्टे देना है नहीं देना, इंजंक्शन देना है या ग्रांट करना है या नहीं ग्रांट करना है। तो दे आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो दिस इज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर कि हम करने क्या वाले हैं इसमें। तो लेट स्टार्ट विद द मीनिंग कि है क्या इंजंक्शन। एकदम जितना मैंने बताया कि इतनी इंपॉर्टेंस है और ये उसके बोर्डम से या उसके भार में बताइए आप लोग एकदम भूल जाइए, आप इसको जस्ट इंजॉय करके पढ़िए, समझिए है क्या एग्जैक्टली है इंजंक्शन का मतलब क्या है। एन इंजंक्शन इज ए जुडिशियल प्रोसेस वेयर बाई ए पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू और टू रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्ट। बस छोटी सी बात है, एक ऐसा जुडिशियल प्रोसेस है, एक ऐसा जुडिशियल ऑर्डर है जिसके द्वारा एक पार्टी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ भी करने से, किसी कार्य को करने से विरत रहेगा, टू रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग और टू डू समथिंग, रिक्वायर्ड टू डू समथिंग, या वो कुछ काम करे। इधर ही शुड डू समथिंग और ही शुड रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिस इज ए टेक्निकल डेफिनेशन, यू शुड रिमेंबर दिस दीज लाइन्स। इनको आप नोट्स में लिखी हुई हैं, इनको आप हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा, कर लेंगे। अब देखिए है क्या टाइप्स की बात करते हैं हम लोग। तो ये कुछ है परमानेंट इंजंक्शन, मींस व्हेन द इंजंक्शन इज ऑफ परमानेंट नेचर, व्हेन यू आर प्रोहिबिटेड टू डू समथिंग परमानेंटली। ओके देन वर्ड इज इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इट, परमानेंटली। परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए आपको मना कर दिया गया है। दूसरी क्या है? टेम्परेरी और इंटरिम, ये हो गया अंतरिम रूप से, हो गया नोट परमानेंट हो गया, सही। और टाइप कौन कौन सी हो सकती है? प्रिवेंटिव, प्रोहिबिटिव और रिस्ट्रिक्टिव। व्हेन यू आर प्रोहिबिटेड डू समथिंग, व्हेन यू आर सपोज टू रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, किसी कार्य को आपको नहीं करना है, इट मीन्स वॉट? यू आर बींग प्रोहिबिटेड, आपको रोका जा रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है आप पर, और यू आर बीइंग प्रिवेंटेड। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इंजंक्शंस। एंड व्हेन यू आर सेड कि यू डू दिस, आपको ये काम करना है, देन वी से इट वॉट? मैंडेटरी इंजंक्शन। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंजंक्शंस, नेम आप लिख लीजिए इसमें, आपके नोट्स में भी होंगे ये 38 to 42 SRA। एंड ये डिफाइंड कहाँ पर है? 37(2) स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। आई होप यू गॉट दिस। नाउ कम टू दिस, टेम्परेरी और इंटरिम इंजंक्शन की बात करते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं ये वाला। द टेम्परेरी और इंटरिम इंजंक्शन ऑन द अदर हैंड रेस्ट्रेन्स ए पार्टी टेम्परेली, टेम्परेली समझते हैं आप लोग, कुछ समय के लिए, फ्रॉम डूइंग द स्पेसिफाइड एक्ट एंड कैन बी ग्रांटेड Only until the disposal of the suit or until the further orders of the court। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये इस स्लाइड से समझिए आप। दिस इज ए टेम्परेरी और इंटरिम इंजंक्शन, क्या मतलब है? दिस रेस्ट्रेन्स ए पार्टी टेम्परेली। तो इसको डिफ्रेंशिएट समझ में आ रहा है आपको परमानेंट का? वो परमानेंटली रेस्ट्रेन करेगा, ये टेम्परेली करेगा। और ये कब तक करेगा? ओनली अनटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट, कि जब तक कि सूट का डिस्पोजल ना हो जाए,
इट मीन्स ड्यूरिंग द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल टेम्पररी इंजंक्शन हो सकता है और उसके बाद में फिर वो परमानेंट इंजंक्शन का ऑर्डर हो सकता है उसमें। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति मकान बना रहा है, मकान बनाना चाहता है, और कुछ रूल्स रेगुलेशंस आते हैं ऐसे हैं कि आप जो एडजॉइनिंग वॉल होगी उससे 6 फीट की दूरी तक आप भी कोई कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, सो दैट, और वो भी नहीं करेगा कि सो दैट दोनों को ही बीच में से गैप में सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट और एयर की सप्लाई होती रहे। लेकिन दैट फेलो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड ए वॉल, आपके पास क्या क्या फिर रिमेडी है? आप उसको कैसे रोकोगे? आप लीगली यू विल हैव टू गो टू द कोर्ट। कोर्ट में आप जाकर प्रेयर करोगे कि इस व्यक्ति को इस वॉल को इरेक्ट करने से रोका जाए। हाँ, है ना? ठीक है। अब कोर्ट की जो प्रोसीडिंग शुरू होंगी और फिर समन होंगी, फिर डिफेंडेंट वहां जाएगा, तब तक तो उसकी दीवार बनकर तैयार हो जाएगी। आपने क्या उसे प्रेयर की कि इस व्यक्ति को हमेशा के लिए इस यहां पर इस वॉल खड़ी करने से रोका जाए। हाँ, है ना? लेकिन अगर उसको सूट को डिसाइड होने में 2 साल लग गए तो तब तक तो वो अपना पूरा मकान बना चुका होगा प्रॉपर तरीके से, तो आपकी जो रिमेडी हो बेकार हो जाएगी सब वो। इसलिए प्रोविजन बनाया गया है कि पहले आपको टेम्प्रेरी इंजंक्शन मिल जाए, तत्काल उसको रोक दिया जाए, और फिर केस मेरिट पर डिसाइड हो कि भी दीवार बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। अगर नहीं बननी चाहिए तो फिर परमानेंट इंजंक्शन के द्वारा उसको रोक दिया जाएगा। तो टेम्प्रेरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन का समझ में आया कुछ क्या हिसाब है? तो परमानेंट इंजंक्शन के देने के लिए बहुत लॉजिकल बात है, वो कब इशू होगा? वो तब इशू होगा परमानेंट इंजंक्शन जब दोनों ही पार्टीज को प्रॉपर मेरिट पर सुन लिया जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन इसमें क्या कहा जाएगा टेम्प्रेरी इंजंक्शन में कि जब तक सूट का डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक आप दीवार नहीं बनाओगे, हम डिसाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से दोनों पार्टी को सुन लें कि दीवार बनानी है या नहीं बनानी दीवार। हाँ, है ना? या कोर्ट ये कह सकती है अनटिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट कि अभी टाइम नहीं है उतना, प्रॉपर फाइल पढ़ी नहीं है, डिस्पोजल तब होगा, कम से कम नेक्स्ट डेट तक आप कुछ नहीं करेंगे टिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, फिर नेक्स्ट डेट आएगी फिर देखा जाएगा क्या करना है उसमें। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टेम्प्रेरी और इंटरिम इंजंक्शन दैट इट रेस्ट्रेन्स अ पार्टी टेम्प्रेरली फर्स्ट इन दिस ऑर्डर। क्या है? ओनली अंटिल दिस रिमेन्स इन फोर्स ओनली अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। विच आर द प्रोविजंस डीलिंग विद दिस? जनरली हम बात करते हैं ऑर्डर 39 CPC, इसमें कुछ और जोड़ना आ जाए तो फिर आ जाएगा सेक्शन 94। क्या आ जाएगा? सेक्शन 94, जिसमें रिसीवर का अपॉइंटमेंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं है? मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, और यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है, मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज। आई शो यू, दिस इज अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? माइंड इट, व्हाट इनकरेक्ट? और कहां पूछा गया? डीजेस 2011 में। टेम्प्रेरी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड ओनली एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट, ओनली एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि टेम्प्रेरी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। हाँ, है ना? कर लेंगे आप? तो दिस इज द टेम्प्रेरी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, ये करेक्ट है। हमें क्या करना था? टेम्प्रेरी इंजंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द CPC, ये बात भी सही है। टेम्प्रेरी इंजंक्शंस आर ए फॉर्म ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ, ये बात भी सही है। तो BCD दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस केस, बट 1 नंबर ए इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज व्हाट? ए। तो समझ में आया कितना टेक्निकल है ये? CPC क्यों मुश्किल लगती है? क्योंकि इस तरीके से हम लोग पढ़ते नहीं है कभी इसको। कर लेंगे अब, बढ़े आगे। तो मीनिंग समझ लिया हम लोगों ने। अगेन, आंध्र प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट ए टेम्प्रेरी इंजंक्शन? इट फाइनली सेटल्स द म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टीज एंड डायरेक्ट्स ए पार्टी फॉर ऑल टाइम टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ए थिंग, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि फाइनली सेटल नहीं करता ये राइट को, ये तो एक टेम्प्रेरी व्यवस्था है टेम्प्रेरी इंजंक्शन की, कि फॉर द टाइम बींग चीजों को वहीं रोक दिया जाए बस,
टिल द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द केस. तो आई हैव शोन यू टू क्वेश्चंस इन वन इन डीजेएस वन इन आंध्र प्रदेश कि किस तरीके से टेक्निकल मीनिंग पर क्वेश्चन आते हैं. तो मीनिंग समझे नहीं संजय भी आप. बिफोर जंपिंग इनटू द बेरेट प्रोविजंस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग. हाँ है ना, बढ़े आगे. सो दिस इज व्हाट अबाउट द मीनिंग. मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया. चलिए अब नेक्स्ट बात पर आते हैं हम लोग. नेक्स्ट पॉइंट इज हु मे अप्लाई. ओके, हु मे अप्लाई दिस. तो इट इज नॉट द प्लेंटिफ अलोन हु कैन अप्लाई फॉर एन इंटरिम इंजंक्शन. ए डिफेंडेंट मे ऑल्सो मेक एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एन इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ. एंड दिस इज द क्वेश्चन समटाइम्स इट मे बी आस्क फ्रॉम यू कि हु कैन अप्लाई. डोंट फॉरगेट दिस. इवन डिफेंडेंट कैन अप्लाई फॉर द इंजंक्शन. वाई सो, समझिए इस बात को. इसमें समझने की बात यह है कि अभी एक केस चल रहा है. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस इफ द सर्कमस्टेंस डिमांड, इफ द सर्कमस्टेंस डिमांड कि एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसमें कुछ कार्रवाई प्लेंटिफ नहीं करनी शुरू कर दी. अब डिफेंडेंट में सीक द असिस्टेंस है कि नहीं. तो इट इज नोट, प्लीज नोट डाउन इट. इट इज इन बोल्ड लेटर, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कर लीजिए. प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट बोथ कैन डिमांड, बोथ कैन प्रे फॉर द इंटरिम इंजंक्शन. इट इज नॉट ओनली प्लेंटिफ, दिस इज नॉट द ओनली प्रिविलेज ऑफ द प्लेंटिफ. लेकिन ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अब ये भी समझाता हूँ आपको क्यों. इसको इस ये लाइन समझ लिया हमने. नेक्स्ट समझिए क्या है. अगेंस्ट होम इंजंक्शन मे बी इशूड, किसके विरुद्ध हो सकता है. तो एन इंजंक्शन मे बी इशूड ओनली अगेंस्ट ए पार्टी एंड नॉट अगेंस्ट ए स्ट्रेंजर और ए थर्ड पार्टी. ध्यान रखना आप लोग. इट ऑल्सो कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट ए कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर. यहाँ से क्वेश्चन प्लिप्स में आए हुए हैं किसके विरुद्ध हो सकता है और किसके विरुद्ध नहीं हो सकता. इट कैन बी, इट मे बी पास ओनली अगेंस्ट ए पार्टी एंड नॉट अगेंस्ट ए स्ट्रेंजर और थर्ड पार्टी. कर लेंगे. इट ऑल्सो कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट ए कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर. नेक्स्ट नाउ प्रोविजंस कौन से हैं. देखिए ग्राउंड्स कहां पर आएंगे. सेक्शन 94 सीपीसी एंड ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 डील्स विद द ग्राउंड्स व्हेन टेम्पररी इंजंक्शंस कैन बी ग्रांटेड. सो प्लीज ऑर्डर 39 तो सब लोग याद कर लेते हैं. ऑर्डर 39 सब लोग याद करके रखेंगे. बट वी फॉरगेट द रूल्स, रूल 1 एंड रूल 2. दीज टू रूल्स अलोंग विद सेक्शन 94 डील विद द ग्रांट ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन. कर लेंगे आप, पढ़े आगे. तो दी ज्यादा क्वेश्चन ऑफ फॉर प्लिम्स ऑल्सो. सी क्वेश्चन आया हुआ है एमपी में आया हुआ है. द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टेम्पररी इंजंक्शन आर प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 39. तो यहां पर केवल ऑर्डर पूछा है इन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इंजंक्शन इज ग्रांटेड अंडर विच प्रोविजन. सेक्शन 115 नहीं, सेक्शन 96 नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, ऑर्डर 39 रूल 1. अब यहां पर रूल 1 दिया है केवल. अगर कोई ऑप्शन में रूल 1 एंड रूल 2 होता तो फिर आप उसको वो मोर करेक्ट हो जाता. तो ये ध्यान रखना आप लोग कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, वहां पर मोस्ट करेक्ट ढूंढते हैं हम. जो जो दिए गए चार ऑप्शन हैं इनमें से सबसे अच्छा कौन है, ऐसे समझ लीजिए जैसे एग्जाम देने जाएंगे आप लोग. अब तो जो एग्जामिनिंग बॉडी है वो क्या देखेगी, आउट ऑफ यू मोस्ट सुटेबल क्या है. पूरी दुनिया से मतलब नहीं है उनको, जो उपलब्ध संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनमें सबसे अच्छा कौन है. अभी इलेक्शंस हुए, पीएम की पोस्ट के लिए मेनली कंटेंडर्स कौन थे, मिस्टर मोदी, मिस्टर राहुल, मायावती, ममता जी, तीन चार और लीडर्स थे. इनमें से सबसे सुटेबल कौन हुआ, आप मेरी बात समझ रहे हो. तो इन दिस इसमें भी कई बार ये भी एकदम 100% करेक्ट नहीं है. ये इट शुड हैव बी और रूल टू एज वेल होना चाहिए था, सेक्शन 94 भी होना चाहिए था. बट बिकॉज आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस इट इज मोस्ट करेक्ट. तो आर आंसर इज बी. प्रीलिम्स को भी सॉल्व करने की ट्रिक्स होती हैं. ऐसे नहीं कि सर 94 तो मेंशन नहीं, हम नहीं लगा रहे इसमें, नन ऑफ द अबव लगाएंगे नोटा, ऐसे मत करना. आउट ऑफ द ऑप्शंस ऑर्डर 39 रूल 1 कर लेंगे. सो अब हम लोग बात करें ग्राउंड्स की. ग्राउंड्स पर जैसा आप ये क्वेश्चन देखिए, आप ये क्वेश्चन देखिए.
डिफेंडेंट कैन क्लेम टेम्पररी इंजंक्शन इन ए सूट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट कब कर सकता है, प्लेंटिफ कब कर सकता है, अभी क्या बात आई थी कि बोथ कैन, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ कैन प्रे फॉर द, कैन अप्लाई फॉर द ग्रांट ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन, बट दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन लाइक दिस। सी क्वेश्चन देखिए, एमपी जुडिशियल सर्विस से क्वेश्चन आया है, डिफेंडेंट कैन क्लेम टेम्पररी इंजंक्शन इन ए सूट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने, कौन प्रे कर रहा है, डिफेंडेंट, कब कर सकता है, टू प्रिवेंट द सूट प्रॉपर्टी बीइंग एलिनेटेड, टू प्रिवेंट द प्लेंटिफ फ्रॉम डिस्पजिंग पजेसिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम द सूट प्रॉपर्टी, टू प्रिवेंट द प्लेंटिफ फ्रॉम कॉजिंग एनी लीगल इंजरी टू द डिफेंडेंट, ऑल ऑफ द अबव। अब अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आपको शायद लगेगा ऑल ऑफ द अबव, अब मैं पढ़ाता हूं क्यों, ग्राउंड्स पर आ जाइए। देखिए रूल वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केसेस इन विच टेम्पररी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड, केसेस इन विच टेम्पररी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड, वेयर इन एनी सूट, वेयर इन एनी सूट इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज, किसी भी तरीके से प्रूव हो जाए क्या, दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन ए सूट। प्लीज एक एक शब्द काम का है, एंड मैं कह रहा हूं आपसे रूल वन को आप ऐसे याद करेंगे जैसे 10 का टेबल याद करने हैं आप लोगों को, यू कैन नॉट स्किप इवन ए सिंगल वर्ड, रूल वन शुड बी रिमेंबर्ड लाइक दिस, दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन ए सूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड डैमेज्ड और एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट, प्लीज हाईलाइट दीज वर्ड्स, बाय एनी पार्टी टू द सूट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, बाय एनी पार्टी टू द सूट मीन्स वॉट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, हाँ ना, तो जब ये भय हो और रॉन्गफुली सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, यू कैन सी इज लाइक दिस, दिस इज 39(1), प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड डैमेज्ड और एलिनेटेड, ये तीन फ्रेज यूज किए हैं उन्होंने, किस बात का खतरा हो, वेस्ट हो रही है प्रॉपर्टी, डैमेज कर दी जा सकती है, एलिनेटेड मींस बेची जा सकती है, किसके द्वारा, बाय एनी पार्टी टू द सूट वेदर ही इज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, कोई भी व्यक्ति, समझ में आई बात, और रॉन्गफुली सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, एक डिक्री के एग्जीक्यूशन में गलत तरीके से बेची जा सकती है, तो इन दिस क्लॉज रूल वन ए, माइंड इट, रूल वन ए पार्ट इसका, एनी पार्टी कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द ग्रांट ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन, बोलो ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, एनी पार्टी बिकॉज जिस पार्टी से खतरा है, अपोजिट पार्टी इंजंक्शन के लिए जा सकती है कोर्ट में, अगर ये बात समझ में आ गई तो रेज हैंड। अब देखो क्या है इसमें, अब भी पढ़ते हैं पहले तब समझ में आएगा आपको, वेयर ए डिफेंडेंट threatens और intends टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ his प्रॉपर्टी विद ए व्यू टू defrauding his creditors, प्लीज कैन यू सी द words हेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, what? इट इज नॉट by एनी पार्टी, इट इज by defendant. कैन यू सी द डिफरेंस, दिस इज बी, वन बी, वेयर ए डिफेंडेंट threatens, नॉट द plaintiff. सो मैम प्लीज सी दिस साइड, when the defendant threatens, who will go to the court for the grant of injunction, temporary injunction, TI, plaintiff, हाँ है ना, तो 1B में who will go to the court, plaintiff will go because defendant is threatening or intends to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditors. अब जरा हमें क्वेश्चन में देखते हैं जरा, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी था ना, डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, टू प्रिवेंट द प्लेंटिफ फ्रॉम डिस्पोजिशन डिफेंडेंट फ्रॉम सूट प्रॉपर्टी, इट्स नॉट करेक्ट, इट शुड हैव बीन डिफेंडेंट, प्लेंटिफ की यहां पे उन्होंने प्लेंटिफ वर्ड गलत हो गया, सेकंड बी में, ये जो क्वेश्चन नंबर आया है ये एमपी जुडिशियल सर्विसेज का, जो बी ऑप्शन है, व्हाई इट इज नॉट करेक्ट, क्या है क्वेश्चन, क्या डिफेंडेंट कैन नॉट क्लेम टेम्पररी, कैन क्लेम to prevent the plaintiff from dispossessing the defendant from suit property, it is not in this direct language, to dispossess ke liye kaun jayega, plaintiff jayega, because who is
डिस्पोजिंग हिज प्रॉपर्टी. व्हेन द डिफेंडेंट इज थ्रेटनिंग, हु विल गो टू द कोर्ट? प्लेंटिफ विल गो टू द कोर्ट. हाँ या ना? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोबारा. सी सेक्शन 94 सीपीसी एंड ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2. दीज टू प्रोविजंस डील्स विद द grounds when the temporary injunction can be granted. Hai ki nahi hai? And we have read who can apply for this. It is not the only plaintiff alone who can apply for the interim injunction. Even the defendant may also apply for the grant of temporary injunction. Sahi baat hai. 94 mein apply kar sakte hain aur aap 39(1)(b) mein bhi kar sakte hain. Up to solve the questions in your prelims exam, you will have to be very very particular कि exact language क्या लिखी हुई है, क्योंकि exact language से ही वो आपको examiner साहब आपको घुमाएंगे आपको. तो first of all you can see the section 94. See this. This is section 94. In order to prevent the ends of justice from being defeated, in order to prevent the ends of justice from being defeated, the court may, if it is so prescribed and clause C may, grant a temporary injunction in the case of this and in case of disobedience commit the person guilty thereof to the civil prison and order that his property be attached and sold. Sanjay, to yahan par aap dekhoge 94 mein, 94 ek jo ek general ground kya hai wahan par, in to prevent the ends of justice from being defeated. Here you will see it is not on whose application. It may be on the application of plaintiff and it may be on the application of defendant as well. Are you getting this point? That is why both parties can get the this order of TI, temporary injunction. 94 samajh mein aaya nahi aapko? 94 में एक ही पर्पज है, क्या है? टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफिटेड. न्याय के हितों को ध्यान में रखते हुए न्याय होना चाहिए, न्याय विफल ना हो जाए. इसलिए 94 के सी में क्या हो सकता है? कोर्ट कैन ग्रांट ए टेम्परेरी इंजंक्शन. एक टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है. अगर डिसओबे करेगा कोई तो ही कैन बी सेंट टू सिविल प्रिजन. And also his or can order that his property be attached and sold. This is the provision of section 94. समझ में आ गई बात आपको? अब आ जाइए 39 order rule 1 and 2 को पढ़ना है आप लोगों ने. तो यहां पर आपको बहुत टेक्निकली देखना पड़ेगा जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है प्रोविजन की. इसमें ए बी सी में देखिए, अगर आपको प्लिम से क्वेश्चन सोल्व करने हैं देन यू विल हैव टू वेरी वेरी पर्टिकुलर. Like this, rule 1c, cases in which temporary injunctions may be granted, these are dealing with the grounds, कि कौन कौन से grounds हैं, किन कौन कौन से आधार हैं जब temporary injunction grant किया जा सकता है. Number 1, where in any suit it is proved by affidavit or otherwise, A part, that any property in the dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated. इन तीन शब्दों को टेक्निकली आप लोग याद कर लीजिए बस, कि जब ये शब्द आएंगे तो बाय एनी पार्टी टू द सूट और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, तो डेंजर किसके द्वारा है? किसी पार्टी के द्वारा हो. यू सी दिस, इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड डैमेज और एनालेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट, उस सूट की किसी भी पार्टी के द्वारा उस प्रॉपर्टी को खतरा है. सही है? खतरा कैसे? वेस्ट करने का खतरा है, डैमेज करने का खतरा है या उसको एलिनेट करने का खतरा है बस. देन जो अपोजिट पार्टी है ही कैन अप्रोच. अपोजिट पार्टी कोई भी पार्टी हो सकती है, अब नाउ प्लेंटिफ हो सकती है या वो या डिफेंडेंट हो सकती है वो. दे कैन अप्रोच फॉर द ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन. है ना? समझ में आ गई बात? और रॉन्गफुली सोल्ड या ये खतरा हो, कौन सा? कि द प्रॉपर्टी मे बी सोल्ड रॉन्गफुली सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री. Then any party can approach to the court for the grant of temporary injunction. हाँ है ना? अब देखिए सिविल केस में क्या हम क्या बात कर मैं क्या बात कर रहा हूँ? एक इन वन आर्ट सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स. टेम्प्रेरी इंजंक्शन में जब कुछ नहीं मिलेगा आपको, पहली बात क्या करेंगे? आर्टिकल ऑर्डर 39 रूल 1-2 में कवर हो रहा नहीं कवर हो रहा केस हमारा.
read the section 94 from the ends of justice being defeated. And third क्या हो जाएगा? Inherent powers. Inherent powers में क्या होता है कि court can pass any order in the interest of justice. तो कहीं ना कहीं आपको TI मिल जाएगा. लेकिन आपको जब प्लिम्स के एग्जाम सॉल्व करने हैं, प्लिम्स से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो जो उनके वर्ड्स हैं उनमें आपको बहुत स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा विच वर्ड्स आर हैव बीन यूज्ड इन दिस केस. व्हाट व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन द डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड डैमेज और एलिनेटेड बाय एनी पार्टी देन इन इवन द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट कैन अप्रोच फॉर द ग्रांट ऑफ. ये ध्यान रखेंगे आप लोगों से. हाँ या ना कर लेंगे. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. इसमें आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हु इज थ्रेटनिंग वेयर ए डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंड्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद ए व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स. ये मान लीजिए ये है प्रॉपर्टी, ओके, एंड दीज आर द क्रेडिटर्स, दीज आर द क्रेडिटर्स. ये प्रॉपर्टी है और ये डिफेंडेंट है, इसको ध्यान रखना. तो डिफेंडेंट इज थ्रेटनिंग, इसको ध्यान रखना बस आप लोग. डिफेंडेंट इज थ्रेटनिंग और इंटेंड्स टू व्हाट रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद ए व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर. दीज आर द वेरी वर्ड्स कि ये जो धमकी दे रहा है वो, या उसकी जो इंटेंशन है इसको रिमूव करने की, इसको डिस्पोज करने की प्रॉपर्टी को, क्यों है वो? क्योंकि इन क्रेडिटर्स के साथ वो फ्रॉड करना चाहता है वो. दिस इज द सेकेंड ग्राउंड. कर लेंगे आप. कौन थ्रेट दे रहा है यहां पर? डिफेंडेंट. नोट द प्लेंटिफ. यही वर्ड्स आपको प्लिम्स के एग्जाम में ढूंढने पड़ेंगे कि हु इज थ्रेटनिंग डिफेंडेंट इन दिस केस. एंड देन कम्स द वन सी. अगेन यू विल सी डिफेंडेंट, वेरी डिफेंडेंट. इट इज नॉट प्लेंटिफ, इट इज नॉट एनी पार्टी थ्रेटन्स टू डिसपजेस द प्लेंटिफ. उल्टा नहीं है ये. तो अगर कौन थ्रेट कर रहा है? डिफेंडेंट कर रहा है. तो कौन जाएगा वहां पर? जिसको खतरा है, जिसको खतरा है, जिसको जिसको ये थ्रेट है वही तो जाएगा ना कोर्ट को अप्रोच करने के लिए. धमकी देने वाला तो जाएगा नहीं. तो इन दिस केस हु विल अप्रोच द कोर्ट? प्लेंटिफ विल अप्रोच द कोर्ट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ऑर नॉट? अगर समझ में आ रहा है प्लीज रेज हैंड. देखिए, तो थ्रेटन्स टू डिसपजेस द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन दिस सूट. एंड दिस इज, यू कैन सी लाइक दिस अगेन. Property, the defendant is threatening what? Plaintiff here. कि I will dispossess you from this. Defendant मकान मालिक हो सकता है, plaintiff एक किराएदार हो सकता है कि भाई निकलो यहां से, कल तक मकान खाली हो जाना चाहिए वरना मैं आ रहा हूं खाली कराने के लिए. Now this is threat to dispossess. या फिर देख ले मैं क्या करता हूं तेरा हाल. Otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute. कल तेरी इलेक्ट्रिसिटी पानी सब कट जाएगा कल. एनी इंजरी टू द प्लेंटिफ. डिस्पजेस नहीं करेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे तेरा, तेरा रास्ता रोक देंगे. एनी, तो दिस इज वॉन्ट कॉज एनी इंजरी. तो दिस इज ए बी सी. सो 39 में 39(1) रूल 1 ए बी सी, इसको आप बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे. और एक है भाई ये अब आ गया आपका रूल 2. Where a defendant is about to commit a breach of the contract or other injury of any kind. ये आपको ऐसे देख लीजिए कि this is what? Again, defendant is threatening. It means what? Who will approach the court? Plaintiff will approach the court. या जो threat दे रहा है वही करेगा. तो when the defendant is about to commit a breach of contract or other injury of any kind, then plaintiff can approach for the TI. हाँ है ना. तो इसको आप ऐसे देखिए, देखिए डिफेंडेंट वाले कौन कौन सी क्लॉजेस हैं, इसको मैं बार बार कह रहा हूं आपके प्लिम्स में यही काम आएंगे. देख लिए डिफेंडेंट की कौन कौन सी क्लॉजेस हैं. 39 का रूल 1 बी सी, बी और सी में डिफेंडेंट का ही है सारा रूल. और रूल 2 में, रूल 2(1) में डिफेंडेंट, इट इज रिलेटेड टू डिफेंडेंट. हाँ है ना. डायरेक्ट हाईलाइट कर रहे नहीं कर रहे आप? रूल ए में, ए में नहीं था, ए में एनी पार्टी था. सूट प्रॉपर्टी वाज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड डैमेज और एलिटेड बाय एनी पार्टी था. लेकिन ये जो बी सी और रूल 2(1) है, इसमें खतरा किससे है? डिफेंडेंट से है. तो टीआई लेने कौन जाएगा?
प्लेंटिफ लेने जाएगा। देखिए पहले क्या था, डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंड्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स, डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोज द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरी टू द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट इज अबाउट टू कमिट ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी। तो हियर डिफेंडेंट डिफेंडेंट डिफेंडेंट, इन दीज थ्री केसेस हु विल गो टू द कोर्ट, प्लेंटिफ विल गो टू द कोर्ट। हाँ है ना, कर लेंगे हम आप लोग। तो दीज आर दी एंड फाइव आप ये कह सकते हैं, देखिए मैं यही बात कर रहा था आपको, वेयर कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सो रिक्वायर्स, सेक्शन 94 की सी एंड 151। ये एकदम जनरल बात हो गई कि जब कोर्ट को लगता है कि न्याय के हित की ये डिमांड है कि इंजंक्शन शुड बी ग्रांटेड, इट कैन बी ग्रांटेड, टीआई कैन बी ग्रांटेड। बोलो हाँ या ना, कर लेंगे। ये फिफ्थ ग्राउंड है, पांचवी ग्राउंड है, ये ऊपर लिखा है पांचवी ग्राउंड, 1 2 3 4 ग्राउंड्स हो गई, टोटल ग्राउंड्स कितनी हो गई, 5 ग्राउंड्स हो गई। ओके, रूल वन में 3 ग्राउंड हो गई ए बी सी, रूल टू में 1 ग्राउंड हो गई फोर्थ, एंड ये हो गई 94 में, 94 की सी में फिफ्थ ग्राउंड 151 के साथ, तो 5 ग्राउंड हो गई ये। सो अब क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैसे प्रिलिम्स के आए हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए मेरी दिल की इच्छा यही है कि बस कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो पैसों की वजह से पढ़ ना पाए। बस इस मिशन में प्लीज हेल्प मी एंड शेयर दीज वीडियोस, इन वीडियोस के बारे में, इस विधि एकेडमिक चैनल के बारे में सबको बताइएगा, एंड आप खुद भी बहुत सिंसियरली से पढ़ते रहिएगा, अगला वीडियो पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।